बापू भवन में लगने वाला एक वो स्टॉल हम आपको दिखाते हैं जो मेडिकल एक्सपो में लगा है, BDS कंपनी का स्टॉल है। और आपने इस तरीके की ट्रॉली देखा होगा तमाम हॉस्पिटलों में जहां बेबी केयर की व्यवस्था होती है। सर क्या इसकी खासियत है? सर बेसिकली ये वार्मर न्यूर इन्फेंट वार्मर बोलते हैं, ये जो प्री मेच्योर बच्चे पैदा होते हैं उनको टेम्परेचर मेंटेन के लिए रखा जाता है ताकि बच्चे उसमें टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें, इसको न्यूनेटल वार्मर बोलते हैं। और ये इसमें जो दो लाइटें लगी हैं शुरू करने ये है, ये फोटोथेरेपी मशीन है। ये जब बच्चे को जॉन्डिस वगैरह हो जाता है तो उसके रिकवरी के लिए ये ब्लू लाइट काम करते हैं जिससे बच्चा जॉन्डिस से रिकवर हो। ये फॉरेन की मशीन है सर या इंडियन? नहीं इंडियन, इंडियन मेक इन इंडिया सर। कितने हॉस्पिटलों में या कुछ आप लोग सप्लाई कर चुके हैं? मैक्सिमम हॉस्पिटल हमने यहाँ पे दिया है, बिहार हर स्टेट में लमसम मैक्सिमम दे रखा है BDS का। तो जैसा हमने आपको दिखाया ये इस मशीनों को आपने देखा होगा, पहचानते भी होंगे, तमाम बड़े बड़े नर्सिंग होम में हॉस्पिटल में इस तरीके की मशीन जो है NICU पर्पस बोला जाता है। NICU हाँ, जो भी कहते हैं कि हम बच्चों को NICU में रखा जाता है निमोनिया उसी के लिए होता है। जिस बच्चों को निमोनिया सिम्टम्स होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होती है और हर हॉस्पिटल के अंदर इसका यूज़ होता है, क्योंकि जिस भी हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी होती है, प्री मेच्योर बेबी होता है या मेच्योर होने आफ्टर डिलीवरी जो है बच्चे को जो है इसमें 2-3 दिन के नर्सरी में रखा ही जाता है कि कहीं बच्चे के अंदर कोई निमोनिया के सिम्टम्स हैं या कोई उसको क्या जॉन्डिस के सिम्टम्स होते हैं तो ये उसको रुकता है। इसको वार्मर बोलते हैं, ऊपर इसमें हीटर लगे हुए हैं जो कि बेबी को अगर कोई निमोनिया सिम्टम्स होते हैं तो उसको उससे प्रिवेंट किया जाता है। और किसी बच्चे को अगर जो है उसके जॉन्डिस के सिम्टम्स होते हैं तो उसके लिए फोटोथेरेपी होती है, इसमें जो UV रेज निकलती हैं वो उसको जो है प्रिवेंट करते हैं। उसको हमने आपको दिखाया BDS कंपनी की ये मशीनें हैं, यहाँ पे इंडियन मेक कंपनी है, 11 मैन्युफैक्चर